कोसीकला के घंटाघर चौराहे से रेलवे स्टेशन तक करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण सेठ ने दुकानदारों द्वारा की गई शिकायत को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। दुकानदारों ने भाजपा नेता से सड़क निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप न होने की शिकायत की थी। भाजपा नेता की शिकायत पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सड़क निर्माण की जांच की। अधिकारियों को ठेकेदार के द्वारा बनाई जा रही सड़क में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। वहीं कुछ दुकानदारों ने अधिकारियों से सड़क का लेवल न करके एवं बिना मानकों के बनाए जाने की शिकायत की, लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारी सड़क निर्माण में मिली खामियों को लेकर मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों से बचते नजर आए। जानकारी के लिए बता दें, इस सड़क को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा पूरे मानकों से बनाए जाने के निर्देश शिलान्यास के दौरान दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारी सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। इस संबंध में भाजपा नेता तरुण सेठ एवं सड़क निर्माण कार्य से परेशान हनुमान मंदिर के महंत ने जानकारी दी। आज मतलब लोगों की आज क्या? देखो ऐसा है, शिकायत ये है कि कल करीब 40-50 व्यापारी हमारे आवास पर हमारे घर पर आए थे और सबकी समस्या वो हमको भी दिखाई दे रही है कि भाई ये रोड खोदकर बननी चाहिए और वही लेवल होना चाहिए जो रोड का ये था। तो हम लोगों ने ये रोड को पास करवाया, हमने और मंत्री जी ने प्रयास कर रेलवे स्टेशन से लेकर घंटाघर तक MBDA के अधिकारियों से प्रयास कर DM साहब से प्रयास कर। तो जब ये पास हो गई तो हमारी ये तय हुई थी MBDA के अधिकारियों से, मथुरा वृंदावन विकास पद के अधिकारी, भाई ये रोड खोदकर बनेगी और यही लेवल होना चाहिए। इसी लेवल पर 2-3 महीने पहले रोड रुकी चुकी है, ये रेलवे स्टेशन से लेके आपका अक्षर चौराहे तक जी। फिर और ये पास द्वारा से फिर हम लोगों ने, मंत्री जी ने प्रयास कर इस रोड को पास कर बढ़वा दिया। इस रोड को आप गांधी पार्क से लेके और वहाँ तक घंटाघर तक बढ़वा दिया। तो ये बात आई कि भाई ये खुद के बनेगी, तो इसमें अभी समस्या ये आ रही थी, ठेकेदार 2-3 दिन से बना रहा था तो वो इतनी खोद के नहीं बना रहा था जितनी खोद के बनानी चाहिए। ये रोड खोद कर बननी चाहिए, 9 इंची खोदनी चाहिए, वो खोद रहा था 4-5 इंची। इसको तो 4-5 इंची खोदने की और ज़रूरत थी। हमने ठेकेदार से कहा, ठेकेदार करूँगा जी, फिर हमने कहा भाई काम रुकवा देंगे हम, इस तरह से तो सब व्यापारी परेशान है दुखी हैं, हम इस तरह से बनने नहीं देंगे इस रोड को। फिर हमने अधिकारियों से व्यापारियों की सब मांग पर और देखते हुए समस्या को, फिर हमने अधिकारियों से बात करी, कर सब वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी और वरिष्ठ अधिकारियों ने फिर एक टीम को भेजा है, उसमें JEE और MBDA के अधिकारी थे। तो इसमें ठेकेदार की जो है उसमें थोड़ी सी अनियमितता पाई गई है, लेवल सही नहीं है, मानक के अनुरूप कार्य नहीं मिला है और उसमें क्या गुणवत्ता सही नहीं है और खोद कर जो बनानी चाहिए थी वो खोद कर नहीं बनी है, 3-3 इंची 4-4 इंची और खोदनी चाहिए थी। तो ये स्पष्ट क्या नाम है उनको दिशा निर्देश दिए गए, सब लोगों ने उनसे कहा है, मेरे अधिकारियों ने भी कहा है, हम व्यापारियों ने भी कहा है और हम जो भी यहाँ पर व्यापारी किसान मजदूर सभी लोग थे यहाँ, तो पूरे सब लोग चाहते इसी बात को चाहते हैं, सब लोग लेवल रहे, क्योंकि देखो अगर ऊपर उठ के बनेगी तो ऊपर उठ के तो ये है कि दुकान को लेवल इस समय भी देखो, ये आप दुकान का लेवल और सड़क का लेवल एक है ये हम खड़े हैं यहाँ पर, तो पानी दुकानों में भरेगा, दुकानों में भरेगा तो दुकान तोड़ के बनानी पड़ेंगी, तोड़ के बनानी पड़ेंगी, देखिए कदम 10-5 लाख का नुकसान हो गया दुकानदार का। उसी चीज़ को अगर 3-3 4-4 इंच खोद दिया जाए तो समस्या का हल हो जाएगा। हमारी शिकायत थी एक रोड की, रोड जो है क्या जो बनना है ये खोद के बनना चाहिए, ना कि लेवल से ऊपर जा रहा है, जो मंदिर भी नीचे दबा जा रहा है और पानी सभी दुकानदारों के दुकानों में भरा पड़ा है जी। 3-3 फुट दुकान गहरी हुई ऊपर ही है, सड़क की बहुत बड़ी समस्या है और सड़क हम तो एक ही हाथ जोड़ के विनती मार्केट की यही है कि सड़क खुद के बने, वरना ये सड़क को यहीं कहीं रोक दिया जाए। तो क्या दिक्कत आएगी आने वाले समय में, क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आ रही है, सड़क 9-9 इंची ऊपर जा रही है, 1-1 फुट ऊपर चढ़ रही है, पानी दुकानों में भर दो, पानी दुकानों के अंदर भीतर घुसा पड़ा है, मंदिर के भीतर घुस जाता है, हम रात रात भर परेशान रहते हैं पानी निकालने के चक्कर में।